हेलो फ्रेंड्स वालेकुम मैं हूं आपका होस्ट आजाद खान और आप देख रहे हैं बोल पंजाब रिसेंटली अमरीकी मीडिया को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इंटरव्यू देने के दौरान एक बात कही है कि पाकिस्तान के अंदर जिनसी तशद और फहाशी की वजह को औरतों का शाट लिबास कहा है इसमें कितनी सदाकत है ये सारा कुछ अवाम की राय आप तक पहुंचाते हैं कि इसके बारे में आवाम क्या कहती है कितनी इसके अंदर शदाकत है ये सारा कुछ जानिए इस वीडियो में चलते हैं आज की वीडियो की तरफ अच्छा हमें ये बताएं इमरान खान साहब ने कहा है कि औरतों का मुख्तर लिबास मर्द को मुतासर करता है इसमें आपकी क्या राय है इस बारे में करता है ये गलत कहा है क्या कहा तो उनको उन्होंने ठीक कहा है कि हमेशा औरत को ही पर्दे में रहना चाहिए और इसी से ही मर्दों का माशरा ख़राब होता है यह आपकी बात ठीक है तो इस बारे में आप मर्द की क्या जिम्मेदारियां ठहराती हैं मर्द को भी कुछ करना चाहिए या सारा औरत का ही कोई क्या बात इसमें मर्द का भी सारा होता है उनको भी अपने मतलब नज़रों पे कंट्रोल रखना चाहिए ठीक है उनका भी इसमें बहुत सारा है कि औरत जो मर्जी है लेकिन ये है कि मर्द को अपनी जी उसने इस्लाम के जो कवानीन है उसके मुताबिक बहुत अच्छी बात की है जो पाकिस्तान में जहल नासर लोग हैं जो उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं ये गलत बात है उसने अच्छी बात की है जैसे आप यूट्यूबर भाई हैं हमारे ऐसी एक और यूट्यूबर भाई है अली ख़ान उसका स्कैंडल आपने सब ने देखा पूरे पाकिस्तान में उसने भी यही डबट्टे की बात की है उसके पीछे सारे लिबरल लोग लिबरलिज्म जितने भी पाकिस्तान में हैं उसके पीछे चढ़ गए हैं जैसा कि उस वो ने वो वजाहत भी की है कि ये परमिशन ले के ऐसे इसने वीडियो अपलोड किया तब भी जाके उसको जो भी अच्छी बात करता है उसकी तनकीद ही होती है ये पाकिस्तान है ये इस तरह ही चलेगा जो अच्छी बात करेगा उसको कहेंगे ये गलत है ये पागल है उसको तो लोग कहते थे ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा वो भी अलहमदिल्ला बन के दिखा दिया उसने नो कॉमेंट्स मैंने सब कुछ डिफाइन कर दिया आपकी मतलब उनके मतलब कोई राय भी नहीं है आपकी और इनकी राय की है ठीक है ये बिल्कुल सही बात है अगर आप पर्दा इसी वजह से हमारे माशरे में रखा गया और हमारे मजहब में रखा गया है, है कि इससे बुरे असरा कम होंगे और जाहिर बात है कोई एक चीज़ जो आपको तजस तो भी रहेगा उसको जो डकी छुपी रहेगी ठीक है उसका तकदस भी जो है वो अपनी जगह पे रहेगा तो मैं कहता हूँ ये अच्छी बात है। मतलब ऐसा ही है कि मर्द का जो किरदार है ना या जो मर्द की शख्सियत है वो मुतासर हो रही है बिल्कुल होती है बिल्कुल होती है तो इसके बारे में मर्द की भी कोई जिम्मेवारियाँ हैं मर्द को क्या करना चाहिए आ, मर्द को ये करना चाहिए कि वो जहाँ भी जाए उस पूरे मुल्क को अपना घर समझे सही है। हर किसी को अपनी फैमिली समझे बहुत अच्छी बात की और हमारे नबी ने कहा है कि मुसलमान जो है आपस में बहन भाई हैं तो उसका ख्याल रखना चाहिए सबको और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका जो बोल पंजाब चैनल है ये आपका गुड नेम आजाद आज़ाद खान, अजार खान ने चले और काफ़ी ज़्यादा इसको शोहरत मिले और आप एक पॉजिटिव वे लेके चल रहे हैं तो इन बहुत अच्छा रहेगा बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू वेरी मच अच्छी राय है उनकी लेकिन ये है कि वो जिस तरह कुर ने बताया वो होना चाहिए जिस तरह इन्होंने बताया वो माइंड भी कर सकते हैं लोग तो कई लोग कहते हैं अप्रिशिएट कर रहे हैं कई लोग कह रहे हैं नहीं ठीक आपकी राय के मुताबिक क्या उन्होंने सही कहा है या क्या आप अपनी राय दें इस बारे में बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा होना बाजी इसके बारे में आप क्या कहती हैं कि इमरान खान साहब ने जो औरतों के मुतलक बात की है उनके लिबास के मुतलक मुख्तसर लिबास जो है वो मर्द को ख़राब कर रहा है इसके बारे में आप क्या कहती हैं उन्होंने सही कहा है गलत कहा है जी बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने क्योंकि हमारा कल्चर इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम इस तरह के लिबास में हैं हमारा कोमिल बास भी ऐसे भी आपको पता है कि इस चीज़ की वो बेउदगी समझते हैं ना ऐसा नहीं होना चाहिए जाहिर है उनके भी कल को बेटे होंगे उनके बच्चे होंगे तो वो क्या मुंह दिखाएंगे उनको कि इस सूलगे में हम लोग फिरते थे और ये तो खुद पे डिपेंडेड होता है ना हम लोग खुद अच्छे नेचर रखते हो तो उस हिसाब से बंदा अपने लिबास के हिसाब से आ सकता है ठीक है शुक्रिया भाई आपका देखें इमरान खान साहब की जो बात है वो कुछ दर्जे ठीक भी है लेकिन बात यही आ रही है कि जैसे आजकल का माहौल है उसमें भी औरतों को सरवाइव करना चाहिए मर्द औरतें मेरे ख्याल से अगर हम लोगों की अगर आंखें और नीयत साफ़ हो तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन यह है कि लोगों को अपना मलबूसा जो भी है वो एक तौर तरीका इस तरह का अपनाएं कि जिससे दूसरे आदमियों को भी वो ना हो और साथ अपनी भी जो है पसंद जो हिसाब किताब होता है औरतों को भी नज़र गंदी ना पड़े ये मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि मर्दों की भी कुछ फ़राज़ हैं जिम्मेदारी हैं जी हाँ जी बिल्कुल क्योंकि हम भी फैमिली वाले हैं माशाला बच्चे हैं है हमारे भी लेकिन बात वही रहती है एक इंटरटेनमेंट का भी है हिसाब किताब ये है वो तो जाहिर बात है आप घरों में भी नहीं रहा जा सकता औरतों के साथ भी जो मैरिड हैं या जो अनमेरिड हैं डेफिनेटली उन्होंने भी आना है तो मेरे ख्याल से अपने आप को भी इंसान को जरा थोड़ा सा थो ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए ताकि वो अपनी फैमिली को सर्वाइव करें और साथ घूमने फिरने के लिए आ सकें इसमें कोई कोई बुराई नहीं है मेरी नज़र में उन्होंने जो बात की है उन्होंने बिल्कुल ठीक की है दूसरी बात यह है कि औरत को सिर्फ बा पर्दा रहना चाहिए लिबास से मुराद ये है कि उसकी बेपर्दगी नहीं होनी चाहिए पर्दा पूरा होना चाहिए ठीक है उसके अलावा हाँ अगर वो बेपर्दगी वाले जुमरे में जाती है लिबास इतना कम पहनती है इतना छोटा पहनती है जिससे कि दूसरे गैर मर्द अट्रैक्ट हों क्योंकि मर्द बेसिकली उन्हीं चीज़ों पे अट्रैक्ट होते हैं जब औरत वाकई में छोटे कपड़े पहनती है एक औरत जब अपना पूरा लिबास उसका दुपट्टा उसके गले में होगा चाहे सर पर ना भी हो गले में भी होगा और शलवार कमीज पूरी पहनी होगी तो उसके बावजूद वो फैशन भी करेगी तो एप्लीकेबल है एक्सेप्टेबल भी है ठीक है ना तो मर्द अट्रैक्ट नहीं होता इस चीज़ को औरतों को भी समझना चाहिए और मर्दों को भी देखना चाहिए कि अगर एक औरत अपने बच्चों के साथ या एक अनमेरिड लड़की भी घर से बाहर निकली है तो वो ऑब्वियसली औरतों को भी तो एंटरटेनमेंट चाहिए ना बाहर निकलने का दिल करता है ये वो सिर्फ मर्द तो नहीं बाहर निकल सकते मर्दों को भी ये सोचना चाहिए अपनी निगाहें साफ रखनी चाहिए दोनों को बराबर फ़र्ज है माशरे को ठीक करने में थैंक यू ठीक है आपका शुक्रिया बिल्कुल सही कह रहा है वो इस्लाम की रूह से आप पढ़ें आप खुद इस्लामी रहते हैं तो उसने बिल्कुल सही कहा ये कोई यूरोप तो है नहीं इस्लाम का हुक्म है कि आप पर्दे में रहें तो वो उसने तो नहीं कहा उसने तो आपको बताया आप जैन बात है कि इमरान खान ने सही कहा बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है कुरान मजीद लेकिन ये है ना कि कुरान मजीद की अगर रोह से हम देखें तो वो मर्द को भी कुरान मजीद कहता है तो मर्द के बारे में आप क्या कहेंगे कि मर्द को क्या करना चाहिए मर्द को अपना अपने, अपने बहन भाई बहनों को उनको सबको मतलब उनको भी पर्दा कराना चाहिए क्योंकि ये भी तो अपनी है ना ठीक है शुक्रिया ठीक है फर्क पड़ता है इससे ऐसा ही है ना हाँ जी ऐसा ही है तो मतलब कि आप उन औरतों को अपनी तरफ से क्या पैगाम देना चाहती हैं जो ऐसा ही लिबास पहनती हैं बस उन्हें चाहिए कि अपने आप को ढाम के रखें इतना भी नहीं कि बस होना चाहिए इंसान को मग़रब की तरफ ना देखें अपने मशरक की तरफ देख के चलें जो मतलब हमारी है इस्लाम हमें इजाज़त देता है जितनी उतना होना चाहिए तो इन इसकी वजह से इस कम लिबास की वजह से आपको हमारे हाँ जी पहले से बहुत ज्यादा असर पड़ा है इस रहा ना मगरब का अच्छा। तो पहले हालात कुछ और शुरू में अगर ये तरबियत जैसी हो वैसे ही फिर होता है, है। आगे आगे चल के तो वो फिर है वही हालात हो रहे हैं जैसे आजादी जब दी जाती है तो फिर वो जाहिर है वो आते आते ही समझ आती है ठीक है चले शुक्रिया आपका देखे सबसे पहली बात तो ये है कि जो औरत है ना उसके लिए पर्दा फ़र्ज है समझ रहे हैं कुरान पाक का हुक्म है हदीसी बारका में आया है लेकिन जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है ना ये कोई इतनी वैलेंट बात नहीं है समझ रहे हैं क्योंकि एक मर्द है उसके लिए भी अल्लाह ताला का बकायदा सोरे नूर में हुक्म है कि वो भी अपनी मतलब निगाहें झुका के रखे ठीक है अब देखें जहाँ पे छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है मिसाल के तौर जैनब को देख लें उससे छोटी बच्चियाँ देख लें उन पर तो पर्दा फर्जा है ही नहीं सही। तो अब उनके बारे में क्या मर्द का ख्याल करेंगे जी मर्द के करदार पर क्या बोलेंगे मैं तो यही इनको मशवरा दूँगा कि देखे कुरान के अहकाम को पढ़ें हदीस के अहकाम को पढ़ें और और औरत को मतलब जो अल्लाह ताली ने उसकी हिफाजत का मतलब हमारे लिए हुक्म है हम उनकी हिफाजत करनी चाहिए ठीक है अब कोई माँ बहन है मतलब घर में तो नहीं ना बैठ सकती सौ ज़रूरियात के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है लेकिन मर्दों को ख़ुद इस चीज़ का मतलब कि थोड़ी ज़िम्मेदारी इख्तियार करनी चाहिए कि एक एक भाई होने का या भाप होने का न, होने के नाते एक अच्छा किरदार अदा करना चाहिए माशरे में और इनकी हिफाज़त करनी चाहिए ठीक है भाई शुक्रिया कि हमारा है मुल्क इस्लामी आपको तो पता ही ना ये ये इस तरह पेशेंट जो है लोग बाहर मुल्कों में इंग्लैंड में वगैरह वो तो अंग्रेज़ लोग हैं ना वही कर रहे हैं ना हमारा वो मुल्क जो है ना पाकिस्तान जो है ना वो इस्लामी मुल्क है आपको तो पता है हमारा जो इमरान खान साहब जो है ना वो जो भी बोल रहे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मेरा भाई जान तो इसकी वजह से फिर आपका किरदार आप भी मुतासर होते हैं ज़्यादा मतलब मुख्तर लिबास की वजह से बिल्कुल भाई इसमें तो कोई शक ही नहीं है भाई जान मैं खुद ही जो जितना भी कम लिबास औरत को मैं देखता हूँ तो फिर मुझे भी असर हो रहा है भाई जान खान बिल्कुल सही कह रहे हम इसके साथ मुताबिक है कि पर्दा जायज़ है और पर्दा कर लो अच्छी बात है गलत गलत है अभी बहुत गलत है आप इसके बारे में हमें बताए ना मतलब कि कैसे उनकी बात को आप कैसे गलत कर सकते हैं इस्लाम में इजाज़त नहीं है बस उन्होंने भी तो यही कहा है ना कि कम लिबास नहीं होना चाहिए उन्होंने यही कहा है तो फिर कैसे गलत हो गया अच्छा लिबास चाहिए जी उन्होंने ये कहा है कि औरतों का जो कम लिबास होता है वो मुआरे के अंदर फहाशी फैला रहा है तो वो नहीं होना चाहिए ये उन्होंने ये कहा है। नहीं, वो ठीक कह रहा है फिर मुझे सुनाई में थोड़ा सा मसला बना तो इसकी वजह से मर्द का किरदार मुतासर होता है जी होता है इमरान खान ने बिल्कुल अच्छी बात की है बिल्कुल सही बात की है, है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये उसने बिल्कुल अच्छी बात की है उसने सही कहा क्योंकि हम एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं इसमें पर्दा होना चाहिए पर्दे के बग़ैर औरत अच्छी नहीं लगती ये सवाब का काम है तो हम तो इमरान खान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हें जो बयान दिया है हम उनसे मुतफिक है और इस उनके इस बात से बड़े खुश हुए हैं कि जब उन्होंने ये कहा कि औरतों के लिबास अगर सही तरह हो तो इन शाशर ठीक हो जाएगा तो आप चूँकि हाफिज कुरान हैं माशा तो आप कुरान सुन्नत की रू से मेरे को इस बारे में बताएँ हजू सल्ह वसलम का फ़रमान है कि हया जो है वो ईमान का एक हिस्सा है तो जब इन हम शारी जो आ, हम हया को इनशाला अपनाएँगे तो हमारी दुनियावी ज़िंदगी भी अच्छी होगी और अल्लाह ताली उखरवी ज़िंदगी भी इनशाला अच्छी कर देगा सबसे पहली बात यह है कि इमरान खानी राइट उसने बिल्कुल अच्छी बात की है इसमें कोई शक नहीं है जी ये तो इमरान खान ने बहुत अच्छी बात की है इस पर अमल करना चाहिए कि इसको ताकि हर औरत का जो है ना लिबास अपनी जगह पर हो जाए मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि औरतों को लिबास मुकम्मल पहनना चाहिए उससे गलत कार्यों से और बुरी नज़रों से इंसान बच जाता है मतलब कि आपके मुताबिक मर्द का किरदार जो है पर्सनैलिटी जो है वो औरतों के लिबास की वजह से मुतासर होती है या नहीं होती बिल्कुल होती है क्यों नहीं होती इंसान जितना मर्जी कोशिश कर कि किसी की तरफ नहीं देख जब किसी औरत ने जो सर पर दुपट्टा नहीं पहना होता लिबास को इस तरह से पहना होता है कि इंसान को मजबूरन देखना पड़ता है तो मुतासर होता है इंसान बिल्कुल क्यों नहीं होता ये कुरान का फैसला है इमरान खान साहब अच्छा फैसला किया है इमरान खान का ये कुरान का फैसला इस्लाम का फैसला है कि जब और यहाँ औरतें फिरेंगी तो मर्द इश्तल में बस यही कहना काफ़ी है आपके मुताबिक जो इमरान खान साहब ने बात की है तो उसकी वजह से मर्द का जो किरदार है शख्सियत है वो मुतासर होती है हाँ जी बिल्कुल होती है बस मुझे करनी नहीं आती तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा हमने मुख्तलिफ अफराध और ख़वादी से भी इसके बारे में राय ली है तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अपनी कीमती राय देने के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर हमें अपने कमेंट कर कर अपनी राय दें अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें अल्ला